हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मी और मेरे किचन में। मैं हूँ प्रियंका और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी पराठे की रेसिपी। वैसे तो पराठा हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बात अगर गोभी पराठे की हो तो बात ही कुछ और है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गोभी पराठा बनाऊँगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत कम इन्ग्रीडियंट में। तो आइए चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाएंगे और इसके लिए क्या चाहिए होगा। गोभी पराठा है तो सबसे पहले हमें गोभी चाहिए। गोभी को मैंने चेक कर लिया है, कई बार इसमें कीड़े होते हैं तो मैंने इसे चेक करके वॉश कर लिया है और इसका पानी भी सुखा लिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसे ग्रेट करना है। ग्रेट करते वक्त ना इसे बहुत ज़्यादा बारीक रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की थिकनेस चाहिए होगी हमें। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रेट किया है और ये इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। मैंने गोभी के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी रेडी कर लिया है। जैसे मैंने अनियन चॉप कर लिया एक मीडियम साइज़, जिंजर गार्लिक को भी मैंने ग्रेट ही किया है और कोरिएंडर लीव्स, साथ में हरी मिर्च को बारीक काट लिया। हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेश ग्रेट करके डालें तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सारा कुछ रेडी है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 2 से 3 चम्मच ऑयल में मैं मस्टर्ड सीड डालूंगी, साथ में जीरा। इसके चटकने के साथ ही मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूंगी। सबसे पहले हमें गार्लिक डालना है, गार्लिक के बाद चॉप्ड हरी मिर्च और उसके बाद जिंजर डालूंगी। और ये सब डालते समय हमें फ्लेम मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारा इंग्रेडिएंट जले नहीं। इस वजह से हमारा पराठे का फ्लेवर ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसे जलने नहीं देंगे। अब डालूंगी यहाँ पे जो मैंने एक अनियन को चॉप किया है उसे, और साथ में थोड़ा सा हल्दी, क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च, और अब इसे फ्राई करूंगी लगभग 1 मिनट। उसके बाद मैं गोभी को ऐड करूंगी। और इस गोभी को हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करूंगी। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही इसमें जो भी वाटर है, क्योंकि गोभी फ्रेश है तो इसमें काफ़ी वाटर होता है, वो भी सूख जाएगा। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। तो ये मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद भी कई बार गोभी से वाटर रिलीज होता है, तो हम इसे हाई फ्लेम पे ही थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसमें वाटर ना रहे, नहीं तो पराठा को बनाते टाइम वो फूट जाएगा और अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसमें का सारा वाटर सूख चुका है, तो अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल के इसे फाइनल टच दूंगी। ये रेडी है, तो अब हम पराठा बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। हमें इसे कभी भी गर्म गर्म में स्टफ़ नहीं करना है, ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी स्टफ़ करेंगे। चलिए आटा बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। हम अगर प्लेन आटा बनाएंगे तो हमारा जो पराठा बनेगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा और देर तक सॉफ्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर इस तरह से ऑयल के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो हमारा पराठा देर तक सॉफ्ट रहेगा। तो आटा गूंद लेंगे जैसे नॉर्मली हम गूंदते हैं, इस तरह से मिक्स करने के बाद।
आटा को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बन के रेडी है। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा डो का हिस्सा ले लूँगी और इसमें गोभी को जो गोभी का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है उसे स्टफ करूँगी। तरह से छोटी सी रोटी बनाऊंगी और इसमें स्टफ को डालूंगी। और इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह से बंद होना चाहिए ताकि ये बाहर से लीक ना करे। सूखे आटे के हेल्प से अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों से मैं इसे बेलूंगी ताकि अंदर का जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए। ये रेडी है तो अब मैं इसे तवे पे रखूंगी। मैंने तवे को ऑलरेडी गर्म कर लिया है, तो चलिए बनाते हैं पराठा। तवे पे रख दूंगी, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। हमें इस दौरान भी फ्लेम को हाई नहीं रखना है, वरना हमारा पराठा जल जाएगा और इसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। इसमें हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगा लेंगे। इसकी जगह पे आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पराठा बनने के बाद काफ़ी देर तक फ्रेश और टेस्टी बना रहेगा, साथ में काफ़ी सॉफ्ट भी होगा। आप अगर सुबह बनाते हैं तो शाम तक आप इसे खाएंगे तो ये सॉफ्ट ही लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा हो चुका है रेडी। हम इसे सर्व कर लेंगे किसी चटनी या सब्जी के साथ या सॉस के साथ। मैंने इसे यहाँ पे पुदीने वाले दही के और सॉस के साथ सर्व किया है और ये काफ़ी टेस्टी बना है। तो इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको। मिलूँगी ऐसे नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।